अयोध्या में देश भर से राम भक्त जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में एक ऐसे राम भक्त आए हैं जिन्होंने एक लंबी अपनी यात्रा तय की है मोटरसाइकिल से। लगभग 315 किलोमीटर की लंबी यात्रा जो है मोटरसाइकिल से तय करके और ये इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं। बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर रही है और भगवान श्री राम के जीवन में महर्षि विश्वामित्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार सर। कहाँ से आए हैं? विश्वामित्र के नगरी बक्सर से आए हुए हैं। जल कलश यात्रा लेकर आए हैं सर। विश्वामित्र के नगरी वहाँ पर राम जी ने शिक्षा लिए थे, वहाँ तर्कबद्ध भी किए थे और अहिल्ला का भी उद्धार किए थे। इस अयोध्या को पहले से बहुत कुछ सर बदला हुआ था। एक तो विवाद में फंसा हुआ था या मस्जिद बने या राम जन्मभूमि बने, लेकिन मोदी जी की सरकार आने से ये फैसला भी हो गया। तो आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है सर। पहले से बहुत कुछ बदला हुआ है, यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक तीर्थ स्थल हो गया है सर, राम जन्मभूमि का एक तीर्थ स्थल हो गया है सर। आप इस कलश में जल लेकर क्या हुए हमसे बताइए आप? सर ये विश्वामित्र की नगरी गंगा जल है सर, उसी विश्वामित्र की नगरी में राम श्री राम जी वहाँ पर स्नान कर शिक्षा लिए थे। आ ये कलश यात्रा लेकर हम राम जन्मभूमि को ये देंगे करेंगे। जी सर, 315 किलोमीटर के सफर कर हम आए हैं। तीन दिन लग गए हैं। अब आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की यही योजना है कि यहाँ पर भ्रमण करते हुए देखते हुए सबको बताते हुए जाएंगे, जिला में पूरे गांव में भ्रमण करेंगे, लोगों को बताएंगे एक बार आप जाइए अयोध्या में, एक बार देखिए ये अयोध्या नगरी श्री राम जन्मभूमि है ये। तो आप देख रहे थे कि बिहार के बक्सर से ये राम भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गंगा जल लेकर के कलश में, और फिर इस गंगा जल को जो है प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने के बाद से वापस ये अपने गृह जनपद बिहार के बक्सर में जाएंगे और वहाँ पर ही प्रभु राम श्री राम के जीवन और अयोध्या की एक एक जो है जानकारियों को जो है पूरे अपने जिला के लोगों के साथ जो है वो साझा करेंगे। मैं इस वक्त अयोध्या से राजेश तिवारी कैमरामैन के साथ, जितेंद्र प्रताप सिंह, एएमबी नेटवर्क के लिए।